अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर। और आज की इस वीडियो में जो है ना, हम सीखने वाले हैं कि कासियो का जो 991 ES प्लस कैलकुलेटर होता है, उसको हम किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं और फिर किस तरह जो है ना उसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो वीडियो को जो है ना, हम मैं प्रॉपरली स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें इस वीडियो को। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो है ना, हम देखते हैं कि इस कैलकुलेटर की, जिसको हम जो है ना डाउनलोड और इंस्टॉल करने वाले हैं, इसकी मार्केट में प्राइस कितना है। तो जब हम जाते हैं amazon.com पर, तो कासियो की प्राइस यहाँ पर $42.90 है। तो ये एक पाकिस्तानी अमाउंट में बहुत बड़ी रकम है। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर मैं इस $42.90 को पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करूँ, तो ये नियरली 6800.90। तो ये पाकिस्तानी तकरीबन 6990, तकरीबन 7000 रुपये बनते हैं। तो ये कैलकुलेटर जो हम इंस्टॉल करेंगे या डाउनलोड करेंगे अभी, तो ये नियरली 7000 का है। डाउनलोड करने से पहले एक मैं आपको और बात भी दिखा दूँ, ये कासियो का कैलकुलेटर है। कासियो की जो हमने प्रोफेशनल उनकी ओरिजिनल वेबसाइट है, उस पर हम आ चुके हैं। तो ये SX991ES+, ये शेप है, ये वही कैलकुलेटर है जिसको हम नॉर्मली जो है ना अपने क्लासरूम्स में यूज़ करते हैं। तो इसके कुछ फीचर्स हैं जिसमें जो है ना 2-way पावर है, 417 फंक्शन हैं, 417 फंक्शन तकरीबन, फुल डॉट डिस्प्ले होती है, प्लास्टिक कीज़ हैं। तो ये फीचर्स जो है ना आप पढ़ लीजिएगा, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा इंशाल्लाह। उसके बाद जो है ना, प्रॉपरली हम इसे एक और इस वेबसाइट पर आ जाते हैं। ये एक्चुअली मीडिया फायर क्लाउड है जिस पर ये जो है ना सेटअप पड़ा हुआ है। तो आपने करना क्या है, आपने बेसिकली करना ये है कि डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर जो लिंक है उसको क्लिक कर देना है, आपको जो है ना डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर डाउनलोड बटन को क्लिक करेंगे, ये ब्लू कलर में है, तो डायरेक्टली जो है ना फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। अगर डाउनलोड शुरू होना ना हो तो काइंडली कमेंट में बता दीजिए, सो दैट मैं आपको जो है ना उधर ही प्रोवाइड कर दूँ लिंक। मोस्ट प्रोबेबली आपका काम इधर से भी हो जाएगा। तो डाउनलोड करने के बाद जो है ना, आपने करना क्या है, आपने डायरेक्ट जो है ना डाउनलोड में जाना है और उधर जो है ना आपको ये फाइल मिलेगी, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो मैं उसको डाउनलोड नहीं कर रहा। तो इसको अब मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ, तो एक्सट्रैक्ट हेयर करते हैं, तो मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो है ना, मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ओपन करने के बाद ये जो है ना सेकंड नंबर पर जो लिखा हुआ है, कासियो FX570VN+, बेसिकली 570VN+ हो या 991ES+ हो, तो दोनों जो है ना एक ही चीज़ें हैं। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कैलकुलेटर जो है ना प्रॉपरली काम कर रहा है। 12+13 एज अ डेमो हम इसको देखते हैं, तो ये 25 ये इजीली कर रहा है। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगा, यहाँ पर जब आप मार्केट में ख़रीदने जाएँ ये कैलकुलेटर, तो आपने चंद चीज़ों का जो है ना ध्यान रखना है। वो ये कि अपना क्या कहते हैं, इस बटन को आपने देख लेना, यहाँ पर कैलकुलेटर सॉल्व लिखा होना चाहिए और यहाँ पर इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव का सैंपल होना चाहिए। बाकी जब इसको हम शिफ्ट प्रेस करके एसी प्रेस करेंगे, तो ये कासियो यहाँ पर लिखा होना चाहिए। इसके साथ साथ एक और चीज़ भी जो मैं इंपॉर्टेंट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि जब भी आप मार्केट से लेने जाएँ, तो इस जो कैलकुलेटर का कवर होता है उस पर एक जो है ना पेज जो है ना चिस्पा होता है, उस पेज वो उस पेज को देख लीजिएगा, वो लाजमी चिस्पा होना चाहिए। बाद अवकात हम लेके आते हैं तो वो पेज वहाँ पर नहीं होता, जिसकी वजह से हम यूनिट्स की कन्वर्जन नहीं कर सकते। तो वो पेज का चिस्पा होना बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि हम अभी जो नेक्स्ट यही कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, इस सारे के सारे कोर्स में जो है ना डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट जगहों पर जो है ना हमें यूनिट्स की कन्वर्जन करनी होगी। तो वो यूनिट्स की कन्वर्जन फिर उस जो है ना पैड के बगैर, अगर उस पर पेपर चिस्पा नहीं होगा, तो वो हमारे लिए बहुत मुश्किल बन जाएगा। तो अभी के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।